हाय एवरीवन, मैं हूं नेमत और आज चिकन करी बनाने का एक ख़ास नुस्खा मैं आपको दे रही हूं। घर में ही मसाला भूनकर इसे रेडी करें। बहुत ही कम मसाले से बिना किसी क्रीम दही मक्खन के ये तैयार हो जाएगा और डेली के चिकन करी के लिए ये तरीका बहुत ही आसान और बहुत ही मज़ेदार है। बहुत ही फ्लेवरफुल ये चिकन बनकर रेडी होता है और आप इसे रोज़ बना सकते हैं। यहाँ पर मैंने छोटे टुकड़े में कटे हुए हड्डियों के साथ चिकन की बोटियों का इस्तेमाल किया है और इसे मैंने अच्छी तरह से धो लिया है। साथ ही लास्ट रिंस के वक्त मैंने इसमें 2 टेबल स्पून सिरका डालकर 15 मिनट तक छोड़ दिया था। वज़न में ये 1 kg के लगभग है। एक पैन को गर्म करना है और करना ये है कि जो भी आप होल गर्म मसाले चिकन में इस्तेमाल करने वाले हैं उन्हें हल्का सा सेक लेना है। मैं इसमें जो मसाले डाल रही हूँ उसे आप देख लें, दालचीनी, स्टारनेस, इसके साथ ही इसमें डालना है लौंग, मैंने 4 लौंग लिया है, इलायची, 3 इलायची है और 2 कश्मीरी रेड चिल्ली है। ये कलर के लिए है और तीखे के लिए मैं रेड चिल्ली पाउडर इस्तेमाल करने वाली हूँ। ये जावित्री है, इससे और जायफल से, ये जायफल का एक बहुत छोटा सा टुकड़ा है, बहुत अच्छा सा कलर, बहुत अच्छा सा टेस्ट इसमें चिकन में आता है, बिल्कुल शाही टेस्ट। साथ ही यहाँ पर ज़ीरा और थोड़ी सी काली मिर्च, इन्हें हल्का सा सेक लेना है। तो चलिए, लाल ये बिल्कुल ना हो, बस इसमें हल्की सी खुशबू आ जाए। अब अच्छी तरह से सेके हुए मसाले को मैंने मिक्सी पॉट में डाल दिया है और यहाँ पर मैं सारे पाउडर मसाले भी इसमें डालूँगी क्योंकि ये थोड़ा सा मसाला इसमें बारीक नहीं होगा। अगर आप इस झंझट से बचना चाहते हैं तो ये सारे खड़े मसाले आप डायरेक्ट तेल में डाल सकते हैं और भुना और पिसा हुआ गरम मसाला ज़्यादा क्वांटिटी में आप इस्तेमाल कर लें। इसी जगह मैं 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर डाल दूंगी, 1 टी स्पून मिर्च पाउडर, 1 टी स्पून हल्दी पाउडर। आप इन सबको बारीक पीस लेना है। एक कुकर में लगभग 4.5 टेबल स्पून सरसों का तेल मैंने डाला है। 3 छोटी प्याज को मैंने लेंथ वाइज काट लिया है और अब इसे ब्राउन होने तक, पिंक ब्राउन होने तक अच्छी तरह से तल लेना है। एक टमाटर को उबलते पानी में डालकर लगभग 3-4 मिनट तक पड़े रहने देना है ताकि इसका स्किन बिल्कुल खुल जाए। अब इसे ठंडे पानी में डालकर छोटा टुकड़ा कर लेना है। अब प्याज में बहुत ही अच्छा सा कलर आ गया है तो यहाँ पर हम लहसुन का पेस्ट डालेंगे, 1 टेबल स्पून भर कर। फ्लेम को इस वक्त धीमा रखें ताकि मसाले को मैनेज किया जा सके। अब जिस टमाटर को हमने छील कर बीज हटा कर रखा था बॉयल करने के बाद, उसे भी यहीं पर डाल देना है। अब दोनों चीज़ें 2-3 मिनट तक अच्छी तरह से भून लेना है। अब इन्हें अच्छी तरह से ब्लेंड करने के लिए हम इसमें 2-4 चम्मच पानी डाल लेने वाले हैं। अब बारी है उन मसालों की जिन्हें मैंने भून कर और मिक्सी में पीस कर पाउडर मसाला बनाया था। इसमें सारे मसाले हैं तो आप ये सारे मसाले यहाँ पर डाल दें और इन सब चीज़ों को भून लें कम से कम 3-4 मिनट तक।
आप देख सकते हैं कि मसाले काफ़ी अच्छी तरह से भून चुके हैं और सारा तेल जो है वो सरफेस पर आ गया है। टमाटर और रेड चिली डाला था, कश्मीरी रेड चिली, उसका कलर अब इस करी में दिख रहा है। साथ ही बहुत ही अच्छी सी खुशबू आ रही है क्योंकि मैंने इसमें भुना हुआ गरम मसाला डाला है। तो व्यूअर्स, आप इस तरह से मसाले को भून कर एक बार ट्राई करें, बहुत ही लाजवाब, इतना मज़ेदार ये चिकन तैयार होगा कि पड़ोसियों के घर तक खुशबू पहुंचेगी। अब यहाँ पर चिकन पीसेस को डाल देना है। और इतनी देर तक इसे पकाना है कि ये जो चिकन पीसेस पिंक कलर का दिख रहा है वो सफ़ेद हो जाए और चिकन अपने सारे जूसेस रिलीज़ करे। अभी हमने इसमें नमक और अदरक नहीं डाला है। अब लगभग 8 मिनट तक मैंने इसे मीडियम टू लो हीट पर भून लिया है। आप देख सकते हैं कि पानी भी जल चुका है और थोड़ा थोड़ा तेल किनारियों में दिख रहा है। अब यहाँ पर मैं इसमें गलने के लिए पानी इस्तेमाल करने वाली हूँ और इसे 2 विसिल आने तक मैं गलने दूंगी, प्रेशर कुक करूंगी। जहाँ बहुत ही टेंडर चिकन इस्तेमाल होने जा रहा है या बाहर के मुल्कों में जहाँ प्रेशर कुक करने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ प्रेशर कुक ना करें। तो अब ये पानी है वही गरम मसाले का पानी जो मैंने मिक्सी के पॉट से निकाला है। चलिए इसे पकने देते हैं। यहाँ पर फ्लेम को थोड़ा तेज़ करेंगे और कुकर का ढक्कन बंद करके पहली सीटी आने के बाद फ्लेम को धीमा कर देना है और दूसरी सीटी आने के बाद फ्लेम को बंद कर देना है। तो यहाँ पर हम डालते हैं तेजपात और स्वाद के अनुसार नमक। मैंने अभी तक नमक इस्तेमाल नहीं किया है और उसके पीछे वजह यह है कि नमक डालने से मीट या चिकन अपने जूसेस रिलीज़ कर देता है जिससे चिकन थोड़ा सख्त हो जाता है, तो इसे सबसे लास्ट में यूज़ करना चाहिए। साथ ही मैं यहाँ पर इस्तेमाल करने जा रही हूँ 2 हरी मिर्चें जिसे हल्का सा मैंने कट किया है। अगर जिन्हें ज़्यादा तीखा पसंद है वो इसे छोटे टुकड़े में काट कर भी डाल सकते हैं। थोड़ा पानी और डाल देना है। ये मैं अपने हिसाब से सब कुछ तय कर रही हूँ, आप अपने कुकर के हिसाब से और गोश्त की टेंडरनेस के हिसाब से पानी डालें। तो चलिए अब इसे 1 सीटी आने तक पकने देना है। तो व्यूअर्स, आप देख सकते हैं ये कितना ज़बरदस्त चिकन गल कर और मसाला बराबर होकर बस 2 सीटी में रेडी हो गया है। लाल लाल बिल्कुल चिकन है और बिल्कुल फ्राई चिकन जैसा टेस्ट है एकदम इसका। आप देख सकते हैं ये इतनी आसानी से घरेलू मसालों से बना हुआ है, कोई मेहनत मैंने कोई ख़ास मेहनत नहीं की है। तो अगर आप इसी तरह का चिकन बनाना चाहते हैं तो मेरे स्टेप्स को फॉलो करें, मुझसे भी ज़्यादा बेहतरीन आपका चिकन तैयार होगा। और यहाँ पर आपने नोटिस किया होगा कि मैंने अदरक नहीं डाला है, मैं अदरक भूली नहीं हूँ। आप देखें इसे मैं किस तरह से डालती हूँ। मुझे चिकन में अदरक का बस हल्का सा फ्लेवर चाहिए था, इसका टेक्सचर नहीं चाहिए था, तो मैंने इसे घिस कर और थोड़ा सा इसका जूस इस्तेमाल किया है। इस तरह से अदरक डालने पर चिकन में जो एक बेकार सा फ्लेवर आता है जिसे अच्छा नहीं लगता है चिकन, वो फ्लेवर बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। आप इस तरह से एक बार अदरक ट्राई करके देखें। तो उम्मीद है आज की वीडियो को आपने ज़रूर इन्जॉय किया होगा और आप इसे जल्दी से बनाकर हमारे कमेंट सेक्शन में लिखें कि आपको ये चिकन की रेसिपी कैसी लगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।